हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। मैं ब्रजेश तिवारी आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए जान लेते हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंस के विषय में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, पॉलिटेक्निक हो, या आईएएस हो, या पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब जगह मैथ्स पूछा जाता है। तो आज चलते हैं, पढ़ते हैं मैथ्स के सिलेबस के विषय में। कक्षा 10 के मैथ्स के सिलेबस के विषय में पढ़ लेते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है और उसमें कितना चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने अंकों का आता है, इस सब के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो चलिए हम मैथ के सिलेबस के विषय में पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हमारे पूरे चैप्टरों को बांटा गया है 7 यूनिटों में। यहाँ से हमारे पास केवल 7 यूनिट है और इस 7 यूनिट में देखा जाए तो सबसे पहले यूनिट है हमारे पास संख्या पद्धत। और ये संख्या पद्धत केवल एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। बात करते हैं अब दूसरे यूनिट की। तो दूसरा यूनिट है हमारे पास बीजगणित, जिसे अलजेब्रा कहते हैं। और इस अलजेब्रा के अंतर्गत आपके पास 4 चैप्टर हैं, जिसमें है बहुपद, पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद दो चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, फिर उसके बाद है द्विघात समीकरण, फिर उसके बाद है समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिट नंबर 2 है बीजगणित, उसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और इन चारों चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको 18 नंबर मिलेगा। और बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 अगर देखा जाए तो निर्देशांक ज्यामिति है, और ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक अकेला चैप्टर है, और इस एक अकेले चैप्टर से आपको 5 नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 देखा जाए तो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो हमारे पास 2 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इसी अनुप्रयोग के माध्यम से हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। और अगर इन दोनों चैप्टरों को हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमें 12 अंक प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं 5वीं यूनिट की। अगर 5वीं यूनिट देखा जाए तो 5वीं यूनिट है हमारी ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला है त्रिभुज, दूसरा है वृत्त और तीसरा है रचनाएं। और अगर इन तीनों चैप्टरों को आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको 12 अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 आपके पास है मेंसुरेशन, जिसे इंग्लिश में भी मेंसुरेशन कहते हैं। और इस मेंसुरेशन के अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, फिर दूसरा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 8 अंक प्राप्त होंगे। फिर बात करेंगे लास्ट यूनिट की, जो कि है हमारा 7वां यूनिट। और ये 7वां यूनिट है हमारी सांख्यिकी एवं प्रायिकता। और सांख्यिकी और प्रायिकता अगर देखी जाए तो सांख्यिकी अलग चैप्टर है और प्रायिकता भी अलग चैप्टर है, और दोनों मिलाकर के हमें 10 नंबर प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पूर्णतः अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में अगर जोड़ा जाए कुल अंकों को तो यहाँ से हमें 70 अंक प्राप्त होता है थ्योरी में। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में हमें 30 अंक प्राप्त होता है। और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल हमें कक्षा 10 के मैथ्स में 100 अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है, हमें इस सिलेबस को पढ़ लेना है, और सिलेबस को पढ़ने के बाद देखना है कौन सा चैप्टर ज़्यादा अंकों का आता है, कौन सा कम अंकों का आता है। इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देखना है, और जो ज़्यादा अंकों का आता है वो चैप्टर हम ज़्यादा समय देंगे उस पे और ज़्यादा बार पढ़ेंगे, और जो कम अंकों का आता है उसे हम कम समय देंगे। तो इस प्रकार बच्चों, जो हमारा अधिक अंकों का चैप्टर है उसको हम ज़्यादा समय देंगे, और जो कम अंकों का चैप्टर है उसे हम कम समय देंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर को हम
चैप्टर वाइज और अंकों के साथ सही ढंग से पढ़ते चलेंगे और पढ़ने के बाद। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम मिलेंगे संख्या पद्धति के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।